अच्छा, एक दो बातें इमाम रब्बानी मुजद्दद लिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हैं मक्तूबात में, मक्तूबात मुजद्ददिया में, जरा तवज्जो से सुन लेना। जैसे एक वक्त होता है ना जब सहरी होती है तो दिन की रोशनी का आगाज हो जाता है, सुबह सादिक ऐसे ही होता है ना। फिर एक वक्त होता है कि जब सूरज निकल आता है। उसी तरह इमाम रब्बानी मुजद्दद लिसानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि 15 शौबान की रात अल्लाह ताला की तरफ से इन रहमतों के अय्याम की सुबह सादिक शुरू हो जाती है और फिर ये रोशनी बढ़ती रहती है, नूर बढ़ता रहता है, हत्ता कि जब पहली रमजान का दिन आता है तो गुरु समझिए कि रहमत का सूरज तुलू हो जाता है। दूसरी बात वो ये लिखते हैं कि 15 शौबान की रात बंदे के लिए बजट की रात है, बजट बनना शुरू हो जाता है, आइंदा साल इस बंदे का रिज्क का क्या मामला होगा, रिज्क में इंसान का माल, उसकी औलाद, उसकी सेहत, उसकी बीवी बच्चे हर चीज दुनिया की शामिल है। तो वो कहते हैं कि ये 15 शौबान से इंसान का बजट बनना शुरू हो जाता है, हत्ता के पूरा रमजान बनता रहता है और लैलतुल कदर में ये बजट इंसानों का अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले फरमा देते हैं, तो आइंदा साल के बजट का फैसला हो गया। लिहाजा इन दिनों में अगर हम आइंदा साल के बारे में अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का फैसला होगा। हजरत अली लानो फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को अजाब देना होता तो ना तो इसको सूरह इखलास अता फरमाते और ना ही इसको रमजान का महीना अता फरमाते। जो सूरह इखलास अता कर दी और रमजान का महीना अता कर दिया तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला इस उम्मत को अजाब नहीं देना चाहते। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, इसलिए उन्होंने क्या देखा था ख्वाब, इन्नी रअईतु आहद आशरा कौकबा, 11 सितारे। तो कितने सितारे देखे, तो 11 सितारे देखे। तो 11 भाइयों की गलती माफ किसकी वजह से हो गई थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया था ना, फिर दुआ मांगी थी तो माफ हो गई गलती। तो 11 भाइयों की गलती किसकी वजह से माफ हो गई, एक भाई 12वें की वजह से। तो उलमा ने लिखा है कि साल के कुल 12 महीने, 11 महीनों के गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं उस 12वें महीने रमजान की वजह से, जिसको अल्लाह ताला ने महीनों में वही शान दी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों में शान अता फरमाई है। लिहाजा अगर हम इस महीने में खूब अच्छी तरह इबादत करेंगे ना, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का बरकतों का मामला होगा।